श्रीकाल जी, तुम देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया। मैं हाँ डॉक्टर के एस भट्टी। अज असी आए हैं नगर कौंसल फतेहगढ़ चूड़ियाँ। तो जिमें तुम्हें पता कि पहला भी असी इतने आए थे तो सफाई कर्मचारियों की कुछ समस्यावान सगिया वो असी हाईलाइट कीतिया सगिया। तो अज फिर असी आए हैं तो सोचा कि क्यों ना पूछा जाए इन्हों के प्रधान तो कुलदीप सिंह जी तो कि मामला किथे तक पहुँचा है, किन्नी किन्नी सुनवाई हुई अज तक। तो आप उन्होंने गलबात करते हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। मैं कुलदीप सिंह जी, तुम दसो कि असं पहला भी आए थे को। मैं जी तुम इस फतेहगढ़ चूड़िया के आए से तुम पहला भी। मैं ताड़ी सारी ही टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता वा कि तुम जे चल के साडे वास्ते समा कढ़ के सफाई सेवकों वास्ते आए हो। तो दूसरा जो मसला सफाई सेवकों का जी, वो तो अज भी उस तरह पेंड का पिया हुआ वा, क्योंकि जोड़ा ये मामला ना 15-20 साल तो जो चलता आ रहा पी एफ, उन्होंने चाहे ईओ अनिल चोपड़ा जी ने जां कोई भी ईओ है, जां कोई भी इतों अधिकारी आ, हर अधिकारी उस मामले को दबना चाहता वा। अज सरकार जरूर बदली है, लोगों को आस से, पर मैनू ज़्यादा यो डाउटफुल हो रहा वा भी सरकार तो बदल गई है, पर सरकार के नाल जो नुमाइंदे आ उन्होंने कांग्रेस अकाली फिर तुरे फिरन डे ने। तो जो कांग्रेस अकालिया ने पिछले ही इन्होंने 15-20 सालों तो इन्होंने बेचारे लुटिया, तो इन्हों की गल कितों होनी आ। अज भी जोड़े नुमाइंदे जोड़े है ना वो कांग्रेस अकालिया के है। दूसरी गल, मैं पी एफ का जोड़ा मामला 2017 तो इन्हों उछालिया भी इन्हों का पी एफ च बहुत घपला होया वा, बहुत घोटाले हो उस तो बाद भी मैं एक 25-3-2022 एक ईओ साहब न लैटर दिता भी ईओ साहब जी जो पहला जिन्हों का घपला 15-20 सालों तो होया ना वो तो आलरेडी इनकुआरी चल रही है, पर इस तो अगे भी जोड़ा मामला है ना पी एफ का उस तरह ही चल रहा वा। तो ना तो अज तक वह मैं जवाब ईओ साहब ने दिता। तो मैं बलविंदर सोहर सिंह जो इंस्पैक्टर है कहते जी उन्होंने मार्ग की आने, मैं 2 बारी फोन ला चुका वा, वो मैं मीटिंग आंजा जी मैं मीटिंग है, मैनू तो यह नहीं पता भी कि मीटिंग चल रही है जे तू अपना वो टाइम नहीं कढ़ सकते। तो इस करके मैं तो आपको फिर दोबारा बेनती कीता इन्हों जी साड़ी आवाज़ आ जी इन्ह गरीबों की आ, दबले कुचले बेचारे आ, इन्हों तो अज भी कोई मास्क नहीं दिता जाता। मैं आपने पहले भी बेनती की ही, इतने 42 बंदे काम करते जिन्हों के 27 बंदियां ड्यूटियां लगियां वा, बाकी 15 बंदे जोड़े इन्होंने अपने सुख वास्ते लाए आ, कोई बस स्टैंड लाया वा, कोई इन्होंने रात का चौकीदार लाया वा, तो कोई इन्होंने डैम्प से लाया वा। तो पहला असी मैडम की की हैगी बाइट ली हैगी, उन्होंने भी दसा कोई लेडीज इतने पीओन का काम कर रही जबकि पीओन नहीं हैगी। हाँ जी, वो भी सफाई सेवक है जी। अच्छा, वो सफाई सेवकों के आँदी है, पर इन्होंने अपने सुख वास्ते जोड़ा वा जी उन्होंने लाया हुआ वा, अपना पीएन लाया वा, जबकि इतने पीएन एक जोड़ा वा पहला एक लड़का हैगा वा, मैंने नाम नहीं याद नहीं, अमरजीत शाह नाम का हो, पर उन्होंने भी लाया हुआ, पर उन्हें गैर कानूनी होर भी बड़े बंदे लाए ना। तो यदि पन्नू साहब आ गए जरूर बेंदे है, कभी पन्नू साहब ने यह पूछा भी तुम किन्ने बंदे हो सफाई वास्ते, तो कहने भी शहर की सफाई नहीं हो रही, सरकार भी रौला पाँदी है, डीसी साहब भी रौला पाते हैं कि सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं, सफाई जेड़े आ 36-42 बंदे तो सामने दिते आ, तो बंदे तो 27 काम कर रहे हैं, तो सफाई शहर की कितों नहीं, बीमारियां ही फैलनियाँ। दूसरी गल आ जो इन्हों का घपला आया वा, सारी तुम भी सी डी सुने वो सफाई बेचारे कल्ब कल्ब कह रहे हैं भी साढ़े पैसे ले गए, अज भी उन्होंने कहें जी तुम अभी पक्या कर देंगे तुम सैन करके दौ, जानी कि उस मामले में दबाने वास्ते इन्होंने सफाई सेवकों का जोर पाया जा रहा, जोड़े रेंदे 10-12 बंदे वो भी साढ़े वाल आए तो साडा जोड़ा रफा दफा सारा मामला हो जाए तो असं नज़ारे लुटे जिदा पहला लुटे जाते हूँ भी लुटीए जी। तुम्हें नहीं लगता कि जिदा पहला थोड़ी जिनी नफरी सी जो कह रही थी कि 2-2 हज़ार रुपया रिश्वत ले गई है, इतने थोड़े कर्मचारी बलविंदर सिंह का नाम लिया सी, तो जे अज वह लेके भी 2-4 या 10 बंदियां तो लिखा के लिया ने, तो थोड़ा नहीं लगता कि वह चीज़ उन्होंने अगेंस्ट जाती है कि वह साबित की करती है इस चीज़ को। बिल्कुल जी, वो देखो उन्होंने दबा भी ला लो, तुम ला लो जो देखो गरीब बंदा तो बेचारा कहता चलो मेरे लिखना जेड़े पिछला मेरा गया तो कुछ बंद ने लिख के दिता वा, बस अज भी 10-15 बंद है जिन्होंने लिख के दिता, वो तो कहें भी साढ़े को लिया गया इनकुआरी करो, पर इनकुआरी करता नहीं, ये तो अन्ने गूंगे बोले बैठे हुए इनकुआरी करनी। डीसी साहब के कोल जी उन्होंने दफ्तर के सी डी पई है, मैं खुद आप दे के आया वा, तो जी सी डी आ दफ्तर के डीसी साहब से पई है, तो इनकुआरी फिर तो गई नहीं है, जब सी डी गई नहीं किसी ने सुनी नहीं तो उत्तर इनकुआरी क्यों नहीं है जी, इनकुआरी तो उदा पेंडिंग पई हुई है।
ਜਦੋਂ ਇਹ RTI ਪੁੱਛਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, EO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ RTI ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PA ਖਾਤਾ PA ਦੀ PF ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮੂ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 2-10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ NOC ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, NOC ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20-25 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ EPF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।